हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। रीजनिंग एनालॉगी रीजनिंग का सीरीज का मैं टेस्ट लेके आया हूं। रीजनिंग की जो सीरीज है उस सीरीज का मैं टेस्ट लेके आया हूं। ये सेवंथ पार्ट तक कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अगर आपने सेवंथ पार्ट तक नहीं देखा है तो गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ भी आपको ये सारी रीजनिंग की जो सीरीज चल रही है वो सीरीज आपको मिल जाएगी। इसके अलावा एनालॉगी टेस्ट भी चल रहा था, तो एनालॉगी टेस्ट मैं कंप्लीट कर दिया हूँ, तो वो आप सिक्स पार्ट तक देख सकते हैं। एनालॉगी टेस्ट की सीरीज जो थी वो मैं कंप्लीट कर दी हूँ। आज की जो सीरीज चल रही है, मतलब कल सीरीज जो चली थी वो सीरीज का सेवंथ पार्ट था, ठीक है। आज सीरीज का सेवन एट पार्ट है, तो कल जो सीरीज थी, ठीक है, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए थे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए थे, उन क्वेश्चनों में सेवंथ क्वेश्चन तक ही हो पाया था। कुछ कारण की वजह से वो क्वेश्चन रिकॉर्ड नहीं हो पाए थे, ठीक है। तो वहाँ से मैं क्वेश्चन को इस सीरीज में मैं इंक्लूड कर दिया हूँ। एट क्वेश्चन के बाद मैं इस सीरीज में इंक्लूड कर दिया हूँ, मतलब सेवन तक उस सीरीज में जो पार्ट सेवन है, सेवंथ पार्ट में सेवंथ तक ही क्वेश्चन इंक्लूड हो पाए थे। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो सेवन तक वो कंप्लीटेड है, ठीक है। उसके बाद जो एट पार्ट है, एट पार्ट में आपको एट क्वेश्चन से आपको ये सीरीज पूरी मिल जाएगी। मतलब 20 क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूडेड है, पूरे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूडेड। तो सीरीज का ये टाइप फर्स्ट है, सीरीज का टाइप फर्स्ट है। मैंने फाइव टाइप इसमें सीरीज में इंक्लूड किए हुए हैं, फाइव टाइप यहाँ पे सीरीज में इंक्लूड किए हुए हैं। इस सीरीज में पांच प्रकार के मैंने क्वेश्चन यहां पे इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है। तो सीरीज का ये पहला टाइप है, और क्वेश्चन इतने भी आसान नहीं है कि आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन इतने भी आसान नहीं है कि आप इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है सीरीज का, जो सीरीज का एट पार्ट है। अगर आपने नहीं देखा है सेवंथ पार्ट तक, गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर आपको ये सीरीज के पार्ट मिल जाएंगे, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे ही क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि मेरी अगली जो वीडियो है कब आ रही है, ठीक है। मेरी अगली वीडियो कब आ रही है। सेशन अगर पसंद आता है तो लाइक करना भूलें, ठीक है। सेशन अगर पसंद आता है तो लाइक करना भूलें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है, दोस्तों तक अपने शेयर करें, जिससे इस वीडियो का जो नॉलेज है उनको भी मिल सके, ठीक है। चलिए सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। तो सेशन की स्टार्टिंग में सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, सब्सक्राइब के लिए गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे ही क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए रेडी करें, स्टार्ट करें, चलिए रेडी टू गो, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है, सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने, देखिए 512, ठीक है। 512 से आप 256 और 128 कैसे आप बनाएंगे, ठीक है। 512 से आप कैसे बनाएंगे, 512 से 256 कैसे बनाएंगे, 256 से 128 कैसे बनाएंगे, और 128 से 64 आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए 512 है, ठीक है, 256 है, ठीक है, और 128 है, और क्या है, 164 है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं अपन, देखिए यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर दें, ठीक है, 512 डिवाइडेड बाई 2 कितना मिल जाएगा आपको, 256 मिल जाएगा। 256 डिवाइडेड बाई 2 कितना मिल जाएगा, 128 मिल जाएगा, ठीक है। 128 डिवाइडेड बाई 2 कितना मिल जाएगा आपको, डिवाइडेड बाई 2 कितना मिल जाएगा आपको, 64 मिल जाएगा। तो 64 डिवाइडेड बाई 2 आपको कितना मिल जाएगा, 32 मिल जाएगा, ठीक है। तो सीरीज का पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32 × 64, मतलब सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, डिवाइड करने के बाद आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है आपका, 15 दिया हुआ है, ठीक है, फिर 40 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ 115 दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी 15 दिया हुआ है, और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको लेके आना, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आप कैसे लेके आएंगे, देखिए 10 से 15 आप कैसे बनाएंगे, 10 × 2, ठीक है, 10 × 2 −5 अगर हम कर देंगे, 10 × 20, ठीक है, 10 × 20, 20 − 5 अगर हम कर देंगे तो वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 15 मिल जाएगी, ठीक है। 10 × 20 −5 करेंगे हमको 15 मिल जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू आप कैसे लेके आएंगे, देखिए नेक्स्ट वैल्यू अगर मल्टीप्लाई बाय, तो मैं 3 करता हूँ, −5 लेस कर देता हूँ, 15 × 3 = 45 और −5 करूँगा मेरे को 40 मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू आप कैसे लेके आएंगे, देखिए नेक्स्ट वैल्यू आप कैसे लेके आएंगे, −4 करेंगे, −4 करेंगे और −5 कर देंगे, ठीक है, 4 × 16 = 160, −5
ठीक है, 160 माइनस 5 155, ठीक है, 160 माइनस 5 155 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू आपको 155 से नेक्स्ट वैल्यू आपको लेके आना है, ठीक है। तो 155 से मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4 तक मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है, 4 तक मल्टीप्लाई कर दिया, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी आपकी, 5 होगी, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को लेस भी करेंगे, ठीक है। तो 155 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 775, ठीक है, 775 कितना हो जाएगा, 155 मल्टीप्लाई बाय द 5 इक्वल टू कितना, 775 माइनस 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 770 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 770 हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी 770, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 770 हो जाएगी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 770 हो जाएगी, ठीक है, राइट, मतलब थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन सामने है कि 11 दिया हुआ है, ठीक है, 11 दिया हुआ है, फिर 13 दिया हुआ है, फिर 17 दिया हुआ है, फिर 19 दिया हुआ है, फिर 23 दिया हुआ है और 25 दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको लेके आना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको लेके आना है। तो कैसे आप लेके आए, देखें 11 से 13 आप कैसे बनाएंगे, 11 से 13 बनाने का तरीका क्या होगा, प्लस 2 अगर मैं कर दूँ, ठीक है, 11 प्लस 2 अगर कर दूँ तो मेरे को 13 मिल जाएगा, ठीक है, 13 से 17 आप कैसे बनाएंगे, प्लस 4 अगर आप कर दें, ठीक है, प्लस 4 अगर आप कर देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 17 मिल जाएगा 13 4 17, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 अगर कर दें तो आपको कितना मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा। नेक्स्ट नंबर यहाँ पे अगर प्लस 4 कर दें आप, 19 से 23 आप कैसे बनाएंगे, 19 से 23 बनाने का तरीका क्या है, प्लस 4 अगर आप कर देंगे 23 मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, मतलब 23 हो गया। सीरीज क्या चल रही है, सीरीज में ध्यान दिया करिए, सीरीज क्या चल रही है, 2 चल रही है, ठीक है, सीरीज की चल रही है, 2 चल रही है, 4 चल रही है, ठीक है, 4 चल रही है, फिर 2 चल रहा है, फिर 4 चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे 2 चल रहा है, अब नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 4 का होगा, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 4 का होगा, मतलब 23 और 2 25 हो गया, 25 4 29 हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 25 4 29, मतलब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 29, ठीक है, मतलब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 29, मतलब फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन सामने है, देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखिए 2 दिया हुआ है, फिर 5 दिया हुआ है, फिर आपका 9 दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू सेंटर पे है, फिर 20 दिया हुआ है और 27 दिया हुआ है, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको लेके आना है। देखिए 2 दिया हुआ है, ठीक है, 2 से आप 5 कैसे बनाएंगे, प्लस 3 अगर आप कर देंगे, ठीक है, प्लस 3 अगर आप कर देंगे 5 मिल जाएगा, ठीक है, 2 से 5 आप कैसे बनाएंगे, प्लस 3 अगर कर देंगे तो आपको 5 मिल जाएगा। इधर देखिए, इधर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए प्लस, अगर आप यहाँ पे प्लस 4 कर दें, ठीक है, यहाँ पे प्लस 4 कर दें तो आपको 9 मिल जाएगा, ठीक है, प्लस 4 कर दें तो आपको 9 मिल जाएगा। अब बीच की वैल्यू मेरे को लेके आना है, मतलब देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू है, यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे आप कितना प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस 7 करेंगे तो आपको 27 मिलेगा, ठीक है, प्लस 7 करेंगे तो 27 मिलेगा, मतलब आपको नेक्स्ट ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू लेके आना है और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू लेके आना है, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस 5 करना पड़ेगा और यहाँ पे प्लस 6 करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस 6 करेंगे तो यहाँ पे 20 होना चाहिए, मतलब वैल्यू क्या होगी, 9 5 14, अगर आप यहाँ पे 14 ऐड कर दें, देखिए 9 प्लस 5 कितना होगा, 14 होगा, ठीक है, 9 प्लस 5 कितना होगा, 14 होगा, और 14 प्लस 6 अगर आप कर देंगे, 14 प्लस 6 कर देंगे तो आपको 20 मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट टर्म आपका 7 है, ठीक है, तो 5 हो गया, यहाँ पे 5 ऐड करना पड़ेगा, 9 5 14 5, ठीक है, और 14 और 6 कितना आपका 20 और प्लस 7 करेंगे तो आपको 27 नेक्स्ट टर्म ये वाला टर्म मिल रहा है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, 14, क्वेश्चन मार्क वैल्यू क्या होगी, 14 होगी, मतलब थर्ड नंबर का सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फाइव नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने देखिए, फाइव नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, 101 100, ठीक है, 96 दिया हुआ है, 87 दिया हुआ है और 71 दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको लेके आना है, ठीक है, 101 है, 100 है, 96 है, देखिए अब 101 में आप क्या करेंगे, 101 में आपको वैल्यू क्या करना पड़ेगा, देखिए -1 अगर आप -1 का आप स्क्वायर करते हैं, मतलब 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा, और 101 में आप 1 घटा देंगे तो आपको वैल्यू कौन सी मिल जाएगी, 100 मिल जाएगा, ठीक है, 101 का स्क्वायर किए, ठीक है, 1 का स्क्वायर किए -1, 101 में अगर आप 1 घटा देंगे, ठीक है, -1 का स्क्वायर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, -1 का स्क्वायर मैं कर रहा हूँ, -1 का स्क्वायर कर रहे हैं, आपको 1 मिल रहा है, -1 करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, -1 करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 100 मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म देखिए 100 माइनस 96 मतलब माइनस, अगर मैं 2 का स्क्वायर कर दूँ मतलब 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, और 4 माइनस है, ठीक है, माइनस का 4,
ठीक है, दो का स्क्वायर करना पड़ेगा, दो का स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, मतलब माइनस लगा हुआ है, मतलब 100 में माइनस 4 घटा देना, आपको 96 मिल जाएगा। नेक्स्ट टर्म देखिए 87 आपको कैसे मिलेगा, 87 मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, कितना करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, अगर 3 × 9 ठीक है, 96 और 9 कितना होगा आपका, 87 हो जाएगा, ठीक है। इसी नेक्स्ट टर्म देखिए 71 कैसे होगा, 71 अगर माइनस 4 अगर कर दें आप, माइनस 4 का स्क्वायर कर दें तो आपको 71 मिल जाएगा, ठीक है, माइनस 4 अगर कर देंगे 71 मिल जाएगा। नेक्स्ट टर्म आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट टर्म आपको 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, नेक्स्ट टर्म आपको क्या करना पड़ेगा, 5 का माइनस 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप 5 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस लेस कर देंगे, ठीक है, तो 71 में मतलब 25 हो जाएगा, 25 में 71 जाएगा, कितना बचेगा, 25 में अगर 71 आप लेस देन कर देते हैं तो 46 बचेगा, ठीक है, 25 में 71 करेंगे लेस देन करेंगे आपको 46 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर मतलब आपका 71, ठीक है, 71 माइनस 25 इसका 46 हो जाएगा, ठीक है, 71 माइनस 25 आपका कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आएगी थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो क्या, 46 हो जाएगा, ठीक है, 46 हो जाएगा। नेक्स्ट सिक्स नंबर देखिए, सिक्स नंबर दिया हुआ है आपका, 4 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको 4 दिया हुआ है, फिर 9 दिया हुआ है, फिर आपका 20 दिया हुआ है, ठीक है, और 43 दिया हुआ है, नेक्स्ट टर्म आपको लेके आना, ठीक है। 4 से 9 आप कैसे बनाएंगे, देखिए 4 से 9 बनाने का तरीका क्या है, देखिए 4 से 9 बनाने का तरीका क्या है, इंटू 2, ठीक है, इंटू 2 प्लस 1 अगर आप कर देंगे, इंटू 2 प्लस 1 अगर आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 8 = 9, ठीक है। नेक्स्ट टर्म देखिए, नेक्स्ट टर्म आप कैसे बनाएंगे, नेक्स्ट टर्म बनाने का तरीका क्या है, नेक्स्ट टर्म बनाने का तरीका क्या है, प्लस मल्टीप्लाई बाय द 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, 9 × 2 = 18 और 2 अगर आप ऐड कर देंगे तो आपको 20 मिल जाएगा। देखिए 9 × 2 = 18, 18 और 2 = 20, ठीक है। नेक्स्ट टर्म देखिए, नेक्स्ट टर्म आप कैसे बनाएंगे, नेक्स्ट टर्म बनाएंगे देखिए मल्टीप्लाई बाय द 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द 3, या आप देखिए टर्म्स देखिए क्या, मल्टीप्लाई बाय 2 ही करिए, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द 2 इन मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस 3 करिए, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द 2 प्लस 3 करिए, मतलब 20 × 2 = 40 और 3 = 43 आपको मिल जाएगा, ठीक है, 20 × 2 = 40 और प्लस 3 = 43 मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म देखिए, नेक्स्ट टर्म आपको कैसे लेके आना है, मल्टीप्लाई बाय द 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस आपको 4 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। टर्म्स क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई बाय द 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई बाय द 2 प्लस 2, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई आप कितना करेंगे, ठीक है, 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8 कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो गया, 4 × 2 = 8 हो गया, मतलब कि कितना, 3 × 6 आपका 86 और 4 आपका कितना हो जाएगा, 86 आपका कहता हूँ कितना ऐड करना पड़ेगा, आपका 86 और 4 हो जाएगा, 86 और 4 क्या आपका 90 हो जाएगा, ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन आपके इसके सामने, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका 8 वैल्यू दी हुई है, क्या दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, फिर 4 दिया हुआ है, ठीक है, फिर 12 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और 27 दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और 27 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या वैल्यू लेके आना है, मतलब 8 से देखिए, अब 8 से 84 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, मतलब 4 × 8, ठीक है, 4 × 8 क्या हो गया, देखिए अब यहाँ पे वैल्यू क्या है, उल्टा, ठीक है, 4 से 8 बनाया गया है, ठीक है, 4 से 8 बनाया गया है, देखिए 4 × 8 किए मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू देखिए, अब ये वैल्यू देखिए, ये टर्म देखिए, अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई बाय द 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द 3 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा। अगर आपने 2 किया, 4 × 2 आपको 8 मिल गया, ठीक है, 4 × 3 आपको 12 मिल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय द 2 तो आपको कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द 2 आप करेंगे तो आपको 12 मिल जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 6 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आपको 18 मिल जाएगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट टर्म देखिए, अब नेक्स्ट टर्म देखिए कि आपको ये वैल्यू, यहाँ की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, यहाँ की वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा तो आपको कितना मिलना चाहिए, यहाँ कौन सी वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको 18 मिले, ठीक है। यहाँ पे आपको कौन सी वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको 18 मिलेगा, और यहाँ पे यहाँ से आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे आपको 27 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैल्यू अगर 9 पुट कर दें, देखिए 9 2 18, ठीक है, मल्टीप्लाई वाइज 2 करेंगे, 9 2 18, ठीक है, और यहाँ से 9 3 27, ठीक है, हो गया। मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 9, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका 5 7 2 5, ठीक है, क्या दिया हुआ है आपका, 5 दिया हुआ है, 7 2 5 दिया हुआ है, देखिए 5 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, 7 2 7.5 दिया हुआ है आपका, 15 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ 37.5 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है आपका 112.5 दिया हुआ है, और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क को आपको लेके आना है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क आपको लेके आना है, तो क्या करना पड़ेगा, देखिए एक 5 से आप 7.5 कैसे बनाएंगे, 7.5 से आप 15 कैसे बनाएंगे, 15 से 37.5 कैसे बनाएंगे, और 37 से आप 112.5 कैसे बनाएंगे, और नेक्स्ट टर्म आपको लेके आना है, ठीक है, नेक्स्ट टर्म आपको लेके आना है। देखिए 5 से 7.5 बनाने का तरीका क्या है, कि अगर आप मल्टीप्लाई कितना कर दें, 1.5 का अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपको 7.5 मिल जाएगा, ठीक है। 1.5 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से करेंगे तो आपको 7.5 मिल जाएगा। अब 7.5 में मल्टीप्लाई अगर आप 2 का कर दें, मल्टीप्लाई किसका कर दें, 2 का, अगर 7.5 में मल्टीप्लाई 2 का कर दें तो आपको 15 मिल जाएगा, ठीक है, कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। नेक्स्ट टर्म देखिए, नेक्स्ट टर्म में आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखिए यहाँ पे 1.5 का मल्टीप्लाई किए और फिर 2 का मल्टीप्लाई किए, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म में क्या करना पड़ेगा आपको, 15, ठीक है, 15 में मल्टीप्लाई अगर आप 2.5 का कर दें, ठीक है, 15 में मल्टीप्लाई 2.5 का अगर आप कर देंगे तो आपको 37.5 मिल जाएगा, ठीक है। 15 में मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा आपको, 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 37.5 मिल जाएगा। और नेक्स्ट टर्म आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किस में कर दें, अब देखिए सीरीज का 1.5 और 2.5, ठीक है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई अगर आप 37.5 से कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 112.5 मिल जाएगा, ठीक है। अब 112.5 में मल्टीप्लाई 3.5 का अगर आप कर दें, मल्टीप्लाई 3.5 का अगर कर दें, मल्टीप्लाई 3.5 का 112.5 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 393.75 आपको मिल जाएगा, 393.75 आपको मिल जाएगा। 3.5 में मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 112.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 393.75, मतलब सही जवाब हो जाएगा, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि 1 दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है, ठीक है, 65 दिया हुआ, 114 दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ 175 दिया हुआ, और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको लेके आना, ठीक है। 165 दिया हुआ है, ठीक है, 165 दिया हुआ है, देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 से 65 आप कैसे बनाएंगे, 1 से 65 आप कैसे बनाएंगे, 1 से 65 से 114 कैसे बनाएंगे, 114 फिर 150 कैसे बनाएंगे, और 175 आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। 1 से 65 बनाने का तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर आप 8 का स्क्वायर कर दें, 8 का स्क्वायर कर दें प्लस 1 जोड़ दें, ठीक है, ये प्लस 1 जोड़ दें तो आपको मिल जाएगा 65 मिल जाएगा, 8 8 64 64 65, ठीक है, आपको वैल्यू ये मिल जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू मिल गई। देखिए अब 165 मिल गया, सॉरी 65 मिल गया आपको, 65 मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट टर्म देखिए, अगर आप यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर दें, देखिए 8 का स्क्वायर है, अब यहाँ पे अगर हम 7 का स्क्वायर कर दें, ठीक है, 7 का स्क्वायर कर दें, 749 और 65 अगर आप जोड़ दें तो आपको 114 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 114 मिल जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे और 7 का स्क्वायर करेंगे, 749 और 65 जोड़ेंगे 114 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म देखिए, नेक्स्ट टर्म क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट टर्म अगर आप 6 का स्क्वायर कर दें, ठीक है, 6 का स्क्वायर कर दें मतलब 36 और 114 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 150 आपको भी मिल जाएगा। नेक्स्ट टर्म देखें, 5 का अगर आप स्क्वायर कर दें,
किसका स्क्वायर करते हैं, फाइव का स्क्वायर करते हैं। फाइव का स्क्वायर पचम पच्चीस, पच्चीस और 150 कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। ठीक है, 25 और 150 कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म देखिए, नेक्स्ट टर्म अगर आप फोर का स्क्वायर कर दें, फोर का स्क्वायर कर दें, चाचों को 16 और 175 जोड़ देंगे तो आपको कितना नेक्स्ट टर्म क्या मिल जाएगा, आपको 191 मिल जाएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 191। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 191। मतलब सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने देखिए कि 3 है, फिर 9 है, ठीक है, फिर 21 है, ठीक है, फिर 39 है, ठीक है, और 63 है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको लेके आना है। ठीक है, 3 है फिर 9 है फिर 21 है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आपको लेके आना है। देखिए, 3 से 9 कैसे बनाएंगे, 9 से 21 कैसे बनाएंगे, और 21 से 39 कैसे बनाएंगे, और 63 आप कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको लेके आना है। ठीक है, तो 3 से 9 बनाने का तरीका क्या हो सकता है, देखिए, प्लस सिक्स अगर आप कर दें 639, ठीक है, 639 आपका 9 मिल जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, अगर आप यहाँ पे प्लस 12 कर दें, 12 9 21 12 9 12 9 कितना हो गया, आप 21 हो गया। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए, नेक्स्ट 21 हो गया, कितना हो गया, 6 हो गया, फिर 12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस अगर आप 18 कर दें, 12 6 18, अगर आप 18 कर दें तो आपको 39 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 39 मिल जाएगा। 18 और 21 कितना हो जाएगा, 18 और 21 कितना, 12। ठीक है, 12 और 9 21, ठीक है, 12 और 9 21, 18 और 21 कितना, 39 हो जाएगा। 18 और 21 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक है, 18 6 कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। ठीक है, 18 6 कितना हो गया, 24 हो गया, 24 और 39 कितना हो गया, 63 हो गया। ठीक है, ठीक है, 18 और 6, देखिए सीरीज यहाँ भी चल रही है और सीरीज यहाँ भी चल रही है, 18 और 6 कितना हो गया, 18 6 24 हो गया, 24 और 39 कितना हो गया, 63 हो गया। ठीक है, अब 24 और 6 कितना हो गया, 24 और 6 30 हो गया। ठीक है, 24 और 6 30 हो गया, 30 और 63, 30 और 63 कितना हो गया आपका, 93 हो गया। ठीक है, 30 और 63 कितना हो गया, 93 हो गया। मतलब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 93 हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 93 हो जाएगी। मतलब सेकंड नंबर इसका सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने देखिए कि 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 दिया हुआ है आपका, 3 दिया हुआ है, ठीक है, 12 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, ठीक है, 1144 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको लेके आना है। ठीक है, 1 दिया हुआ है, ठीक है, 1 दिया हुआ मतलब अगर आप मल्टीप्लाई किसका कर दें, ठीक है, मल्टीप्लाई अगर आप 3 का कर दें, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई 3 का कर दें तो आपको 3 मिल जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय द 3। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय द 3 करेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा। नेक्स्ट टर्म आप देखिए, नेक्स्ट टर्म क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट टर्म अगर आप 4 कर दें, ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 4 से कर दें तो आपको 12 मिल जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो आपको 12 मिल जाएगा। नेक्स्ट टर्म आप देखिए, नेक्स्ट टर्म आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट टर्म आपको 3 से 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 3 36 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म देखिए, नेक्स्ट टर्म क्या करना पड़ेगा आपको, अगर मल्टीप्लाई अगर आप 4 से कर दें, ठीक है, मल्टीप्लाई 4 से कर दें, 36 और मल्टीप्लाई बाय द 4 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई बाय द 3 से कर दें, ठीक है, देखिए सीरीज का चल रही है 3 4 3 4 3 4, ठीक है, तो सीरीज का चल रही है 3, अब मल्टीप्लाई बाय किसका करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा, 144 का करना पड़ेगा। 144 मल्टीप्लाई करेंगे, 144 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 432 मिलेगा। कितना मिल जाएगा आपको, 432 मिल जाएगा। ठीक है, मतलब सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कितना सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने देखिए कि 9 दिया हुआ 27 दिया हुआ है। ठीक है, 9 दिया हुआ है फिर 27 दिया हुआ है। ठीक है, 27 दिया, 45 दिया हुआ है, ठीक है, और 63 दिया हुआ है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको लेके आना है। ठीक है, तो 9 से आप 27 कैसे बनाएंगे, 27 से आप 45 कैसे बनाएंगे, 45 से आप 63 कैसे बनाएंगे, और नेक्स्ट टर्म आपको लेके आना। ठीक है, तो देखिए 9 से आप 27 आप कैसे बनाएंगे, 9 से 27 बनाने का तरीका क्या है कि 9 into 1 अगर आप कर दें, 9 into 1 आप कर दें तो आपको 9 मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा, 9 into 1 आप कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 9 into अगर आप 3 कर दें, ठीक है, 9 into 3 अगर आप कर दें तो कितना मिल जाएगा आपको, 27 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, मिल जाएगा। और 9 into अगर आप 5 कर दें, ठीक है, 9 into 5 कर दें आपको कितना मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा, 9 × 45 45 मिल जाएगा। ठीक है, अब 9 into 7 अगर आप कर दें, ठीक है, 9 into 7 अगर आप कर दें तो कितना मिल जाएगा आपको, 63 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 63 मिल जाएगा। ठीक है, अब 7 और 2 9 होता है, ठीक है, 7 और 2 9 होता है। देखिए सीरीज का चला ही है, 1 हुआ, ठीक है, 1 के बाद यहाँ पे 2, मतलब 2 का 2 को डिफरेंस लेके चल रहा है, यहाँ पे 2 का
डिफरेंस यहाँ पे कवर कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तीन है, यहाँ पे तीन है ना, यहाँ पे देखिए पाँच का मल्टीप्लाई किया, मतलब दो प्लस किया हुआ है यहाँ पे भी। अब देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी प्लस दो किया हुआ है, तो नेक्स्ट टर्म में भी दो का होगा, मतलब सात और दो कितना होगा, नौ होगा, और नौ इंटू नौ कितना हो जाएगा, नौ नौ इक्यासी कितना हो जाएगा, नौ नौ इक्यासी हो जाएगा, मतलब एक अगला टर्म क्या हो जाएगा आपका इक्यासी, मतलब सही जवाब क्या हो जाएगा इक्यासी, 41 हो जाएगा, मतलब फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म देखिए, नेक्स्ट थर्टीन नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्टीन नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है कि एट दिया हुआ, क्या दिया हुआ, एट दिया हुआ है आपका, थर्टीन दिया हुआ है, ट्वेंटी एट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, ट्वेंटी एट दिया हुआ है, फिफ्टी फिफ्टी थ्री दिया हुआ है, एट्टी एट दिया हुआ है, और वन थ्री थ्री दिया हुआ है, और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको लेके आना, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको लेके आना, ठीक है। तो आप एट से थर्टीन कैसे बनाएंगे, देखिए एट से थर्टीन बनाने का तरीका क्या हो सकता है, एट से थर्टीन बनाने का तरीका क्या होता है, प्लस फाइव अगर हम कर दें, आठ पाँच तेरह, ठीक है, प्लस फाइव अगर आप कर दें तो आपको मिल जाएगा वैल्यू कितनी, थर्टीन मिल जाएगी। नेक्स्ट टर्म देखिए, नेक्स्ट टर्म में क्या करना पड़ेगा आपको, थर्टीन से ट्वेंटी एट बनाना है, थर्टीन से ट्वेंटी एट कैसे बनाएंगे, देखिए पंद्रह और तेरह कितना होगा, देखिए यहाँ पे क्या, फिफ्टीन अगर आप ऐड कर दें, फिफ्टीन अगर आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है, पंद्रह और तेरह कितना हो जाएगा आपका, अट्ठाईस हो जाएगा, पंद्रह और तेरह कितना हो जाएगा, अट्ठाईस हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म देखिए, नेक्स्ट टर्म क्या है, पंद्रह दस पच्चीस, देखिए पंद्रह दस पच्चीस हो गया, मतलब यहाँ पे अगर आप ट्वेंटी फाइव अगर प्लस ट्वेंटी फाइव कर दें, अट्ठाईस और पच्चीस, अट्ठाईस और पच्चीस कितना हो जाएगा आपका, फिफ्टी थ्री हो जाएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म देखिए, पच्चीस दस पैंतीस, पच्चीस दस पैंतीस, ठीक है, थर्टी फाइव, थर्टी फाइव, थर्टी फाइव और फिफ्टी थ्री कितना हो जाएगा आपका, एट्टी एट हो जाएगा, ठीक है, एट्टी एट हो जाएगा, थर्टी फाइव हो गया। अब नेक्स्ट टर्म देखिए, पैंतीस दस पैंतालीस, पैंतीस दस पैंतालीस हो गया, पैंतालीस और अट्ठासी कितना हो जाएगा, एक सौ तैंतीस हो जाएगा, पैंतालीस और अट्ठासी कितना हो जाएगा आपका, एक सौ तैंतीस हो जाएगा, पैंतालीस और दस पचपन, ठीक है, पैंतालीस और दस पचपन, मतलब पचपन और एक सौ तैंतीस, पचपन और एक सौ तैंतीस, ठीक है, पचपन और एक सौ तैंतीस कितना हो जाएगा आपका, वन डबल एट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक सौ अट्ठासी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक सौ अट्ठासी, मतलब सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, एक सौ अट्ठासी राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, मतलब फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सीरीज क्या चले, एक बार सीरीज देख लीजिए क्या चलिए, देखिए पाँच है, ठीक है, प्लस दस हो रहा है, यहाँ भी प्लस दस पंद्रह, पाँच और दस पंद्रह, पंद्रह हो गया, पंद्रह देखिए, पंद्रह दस पच्चीस हो गया, देखिए पच्चीस दस पैंतीस हो गया, ठीक है, पैंतीस दस पैंतालीस हो गया, पैंतालीस दस पचपन हो गया, ठीक है। सीरीज क्या चलिए, सीरीज चलिए दस की, ठीक है, सीरीज के इंप्रूवमेंट क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है दस का, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, एक सौ अट्ठासी हो जाएगा। इस टाइप में जो सीरीज के जो टाइप चल रहे हैं, सीरीज के जो टाइप चल रहे हैं, इसमें मैं लगभग एक सीरीज के 200 टाइप कराऊंगा, जिससे आप सीरीज में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, जिससे सीरीज में आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। सीरीज मतलब टाइप फर्स्ट के मैं 200 क्वेश्चन कराऊंगा, टाइप फर्स्ट के मैं 200 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर टाइप सेकंड के मैं 200 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, टाइप थर्ड के मैं 200 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आप सीरीज में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, सीरीज एकदम कोई कहीं से भी दे देगा, आप सीरीज सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, आसानी से। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन सामने, देखिए 8 दिया हुआ है, ठीक है, 8 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका, 8 दिया हुआ है आपका 8, ठीक है, 8 दिया हुआ है, 57 दिया हुआ है, 57 दिया हुआ है, 344 दिया हुआ है, और 1723 दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको लेके आना है, ठीक है। तो आपका 8 दिया हुआ है, 8 से आप कैसे करेंगे, देखिए 8 से 57 आप कैसे बनाएंगे, 34 से कैसे बनाएंगे, 57 से आप कैसे बनाएंगे, और नेक्स्ट वैल्यू से आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए 8 दिया हुआ है, 8 से अगर आप 8 का मल्टीप्लाई बाय द 7 कर दें, ठीक है, 8 सत्तर 56 और 1 जोड़ दें तो आपको 57 मिल जाएगा, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई बाय द 7 प्लस 1 करेंगे तो आपको 57 मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म देखिए, नेक्स्ट टर्म से अगर आप 6 से मल्टीप्लाई अगर आप कर दें, 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 57 57 मल्टीप्लाई बाय द 6 और प्लस कितना पकड़ना पड़ेगा, 2 ऐड कर देंगे, ठीक है, तो आपको कितना मिल जाएगा, 344 मिल जाएगा, ठीक है, 344 मिल जाएगा, ठीक है, कितना मिल जाएगा, 344 मिल जाएगा, मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय द 342 और 2 कितना, 344। नेक्स्ट टर्म देखिए, नेक्स्ट टर्म अगर आप यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर दें, 5 का मल्टीप्लाई कर दें और प्लस 3 ऐड कर दें, ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई अगर आप कर देंगे, ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई अगर आप कर देंगे और प्लस 3 ऐड कर देंगे तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1723 मिल जाएगी, ठीक है, कितनी मिलेगी, 1723 मिल जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म से 1723 प्लस, ठीक है, 1723 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कितना जोड़ेंगे, 4 ही जोड़ेंगे, ठीक है, 1723 में मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 4 का करेंगे और प्लस 4 ही जोड़ेंगे तो आपको कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 6896 वैल्यू मिल जाएगी, 6896 वैल्यू आपको मिल जाएगी, मतलब फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट टर्म देखिए, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने देखिए कि 15 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 25 दिया हुआ है आपका 25, देखिए 25 दिया हुआ है आपका, 29 दिया हुआ है, ठीक है, 38 दिया हुआ है, ठीक है, 54 दिया हुआ है और 79 दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको लेके आना है, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, 25 और 29, ठीक है, 25 और 29, ठीक है, कैसे लेके आएंगे, 38 कैसे लेके आएंगे, 54 कैसे लेके आएंगे और 79 कैसे लेके आएंगे, ठीक है। तो 25 से आप कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, देखिए अगर आप यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देते हैं प्लस 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर आप कर देते हैं, ठीक है, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 25 और 4 कितना हो जाएगा आपका, 29 हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व हो गया। देखिए 29 बन गया मेरा, 29 बनाने का तरीका क्या है, अगर मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दूँ और प्लस 25 जोड़ दूँ तो मेरे को कितना मिल जाएगा, 20, तो कितना मिल जाएगा आपको, 29 मिल जाएगा, ठीक है, कितना मिल जाएगा, 29 मिल जाएगा। नेक्स्ट टर्म देखिए, नेक्स्ट टर्म अगर आप यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दें, 3 का स्क्वायर कर दें, 3 × 3 = 9 9 हो जाएगा, 29 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 38 हो जाएगा, ठीक है, 29 और 9 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म देखिए, नेक्स्ट टर्म में अगर आपको 4 का स्क्वायर कर दें, प्लस 4 का स्क्वायर कर दें, 4 × 16 16 और 38 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म देखिए, नेक्स्ट टर्म में आपको क्या करना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस 5 का अगर 25 हो गया, 25 और 54 कितना हो जाएगा आपका, 79 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आपको क्या करना पड़ेगा, 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या, 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 6 का स्क्वायर 36 और 79, ठीक है, 36 और 79 कितना हो जाएगा, 36 और 79 कितना हो जाएगा आपका। नेक्स्ट टर्म जो है 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा और 79 जोड़ देंगे आपको, कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा, मतलब सही जवाब क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके दिया हुआ है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 है, ठीक है, 15 है, 19 है आपका, 27 है, 27 36 है, 37 और 63 दिया हुआ है, ठीक है। तो 15 से आप 19 कैसे बनाएंगे, 57 कैसे बनाएंगे, 36 कैसे बनाएंगे और 63 कैसे बनाएंगे, देन क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको लेके आना, ठीक है। 15 से 19 बनाने का तरीका क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे 2 का अगर आप स्क्वायर कर दें, ठीक है, 15 × 4 = 19 हो जाएगा, 15 × 4 = 19 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म देखिए, नेक्स्ट टर्म अगर आप यहाँ पे 2 का क्यूब कर दें, ठीक है, 2 का क्यूब कर दें, 2 × 4 = 8 19 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 27 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म देखिए, नेक्स्ट टर्म से आपका करना पड़ेगा आपका, अगर आप 3 का स्क्वायर कर दें, ठीक है, नेक्स्ट टर्म आप 3 का अगर स्क्वायर कर दें, 3 का स्क्वायर कर दें, मतलब 3 × 9 और 27 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा, 27 और 9 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म देखिए, नेक्स्ट टर्म आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट टर्म आपका 3 का क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है, 3 का क्यूब करना पड़ेगा, 3 × 9 27 हो जाएगा, 27 और 36 कितना हो जाएगा आपका, 63 हो जाएगा, 27 और 36 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या करना पड़ेगा, देखिए नेक्स्ट टर्म क्या करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, नेक्स्ट टर्म आपको 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 16 और 63, 16 और 63 कितना हो जाएगा आपका, 79 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 79 आ जाएगी, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सही जवाब क्या हो जाएगा, 79 इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सेशन अगर पसंद आता तो लाइक करना न भूले, दोस्तों तक शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि मेरी अगली वीडियो कब आ रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, 70 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, 4 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है आपका, 18 दिया हुआ है, ठीक है, 48 दिया हुआ है और 100 दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको लेके आना, तो 4 दिया हुआ है, ठीक है, 4 से आप 18 कैसे बनाएंगे, ठीक है, 4 से 18 बनाने का तरीका क्या हो सकता है, या 4 आप कैसे बनाएंगे, देखिए 4 बनाने का तरीका क्या है, मैं 4 बनाने का तरीका आपको बता देता हूँ। 4 आप कैसे बनाएंगे, अगर आप 2 का क्यूब कर लेते हैं, ठीक है, 2 का क्यूब कर लेते हैं और माइनस क्या कर देते हैं, 2 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, 2 का क्यूब कर लेते हैं और 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, मतलब 2 × 4 = 8, ठीक है, 2 × 4 = 8 और -4 2 × 4, तो आपको वैल्यू की मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी, 4 वैल्यू मिल जाएगी। आप अगर 2 का क्यूब करेंगे, मतलब 2 × 4 = 8 -4 आपको वैल्यू मिल जाएगी 4, ठीक है। नेक्स्ट टर्म देखिए, नेक्स्ट टर्म आप कैसे लेके आएंगे, नेक्स्ट टर्म आपका 18 दिया हुआ है, नेक्स्ट टर्म आपका 18 दिया हुआ है, तो 18 बनाने का तरीका क्या हो सकता है, देखिए 3 का अगर आप स्क्वायर कर दें,
थ्री का सॉरी थ्री का क्यूब कर दें, थ्री का क्यूब कर दें और माइनस क्या कर दें, थ्री का स्क्वायर कर दें, ठीक है, थ्री का स्क्वायर कर दें, ठीक है। वैल्यू क्या चल रही है, देखिए सीरीज क्या चल रही है, दो का क्यूब चल रही है, दो का स्क्वायर चल रहा है, थ्री का क्यूब चल रहा है, थ्री का क्यूब चल रहा है, थ्री का स्क्वायर चल रहा है, मतलब तीन त्रिका नौ त्रिक सत्ताईस, सत्ताईस और नौ कितना हो जाएगा आपका, अट्ठारह हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अट्ठारह हो जाएगा। 48 नंबर देखिए, 48 कैसे आप लिखेंगे, 48 लाने का तरीका क्या हो सकता है, 48 लाने का तरीका क्या हो सकता है, 43 4 का क्यूब, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, चार चौक 16 चौक 64, 64 और 16, 64 और 16 कितना हो जाएगा आपका, 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। नेक्स्ट 100 के लिए, 100 के लिए देखिए, 100 का ये क्या करना पड़ेगा आपको, 5 का क्यूब करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 5 का क्यूब करना पड़ेगा और माइनस 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 25 पंचे 125, 125 माइनस 5, 125 माइनस 25 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या हो सकता है, नेक्स्ट टर्म होगा आप देखिए, 6 का क्यूब करना पड़ेगा और 6 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, 6 चंगा 36 छक्का 216, ठीक है, 6 चंगा 36 छक्का 216, 216 माइनस 36 करना पड़ेगा, 216 माइनस 36 करना पड़ेगा ना, 216 माइनस 36 करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा आपका, 180 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, मतलब 180 180 हो जाएगा, ठीक है, मतलब सही जवाब क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने देखिए, 1 दिया हुआ है, फिर 3 दिया हुआ है, फिर 9 दिया हुआ है, फिर 27 दिया हुआ है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 21 दिया हुआ है, 2 4 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए आपको मल्टीप्लाई में विशेष ध्यान देना है, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है, में विशेष ध्यान, देखिए 1 से 3 आप कैसे बनाएंगे, देखिए 1 से 3 बनाने का तरीका क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द 3, 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9, 3 9 27, 27 3 81, 81 3 2 43, 2 43 3, ठीक है, 2 43 3 आपका, 2 43 3 729, ठीक है, कितना होता है, 2 43 3 होता है आपका 729, कितना होता है, 729 होता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 729 हो जाएगी, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई, केवल 3 का मल्टीप्लाई बस कर रहे हैं, ठीक है, केवल 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपको वैल्यू मिल जाएगी, नेक्स्ट टर्म आपको मिल जाएगी, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको मिल जाएगी, 729, 749 229, 729 होता है, 249 729 होता है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ आपका, 7 दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 7 दिया हुआ, 24 दिया हुआ, ठीक है, 76 दिया हुआ, 233 दिया हुआ है और 705 दिया हुआ है, क्या किया, 705 दिया हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म आपको लेके आना, मतलब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको लेके आना, 725, ठीक है, यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई 3 का कर दें, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 का कर दें और प्लस 3 ऐड कर दें, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 का करें और प्लस 3 ऐड कर दें, आपको 24 मिल जाएगा, नेक्स्ट 24 मिल जाएगा। नेक्स्ट टर्म आप देखें, नेक्स्ट टर्म आप कैसे लेके आएंगे, नेक्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाई द 3 प्लस 4 अगर आप कर दें, 24 ठीक है, 24 अगर 24 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 4 ऐड कर देंगे, प्लस 4 ऐड कर देंगे, आपको 76 मिल जाएगा, ठीक है, 24 बहत्तर और 4 छिहत्तर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म देखिए, नेक्स्ट टर्म से अगर आप मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई ही करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 5 जोड़ेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 76 3 ठीक है, 76 3 कितना हो जाएगा, 228 हो जाएगा, 228 और 5 कितना हो जाएगा आपको, 233 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म देखिए, नेक्स्ट टर्म से आप कैसे बनाएंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 6 जोड़ेंगे, ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 6 जोड़ेंगे, यही है ना, 3 का देखिए, यहाँ 4 किए, यहाँ पे 5 किए, यहाँ पे 6 करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 6 जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, अगर 233 अगर आप करते हैं, 233 699 699 और 6 कितना करो, 705 हो जाएगा, ठीक है, 233 699 699 और 6 जोड़ेंगे आपको, 705 हो जाएगा, 705, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 3 का करना पड़ेगा और जोड़ना कितना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, कितना जोड़ना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 705 से करेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, 2115 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2115 हो जाएगा, 2115 और 7 जोड़ देंगे, ठीक है, 2115 और 7 जोड़ देंगे आपको, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2122 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2122 हो जाएगा, ठीक है। मतलब सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2122, सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट नंबर 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने देखिए कि 3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, 3 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है, 33 दिया हुआ है और 165 दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको लेके आना, 3 से 7 आप कैसे बनाएंगे, 7 से 28 कैसे बनाएंगे, 28 से 33 कैसे बनाएंगे, 65 और नेक्स्ट टर्म आपको कैसे लेके आना है, ठीक है। तो 3 7 बनाने का तरीका क्या है,
थ्री से सेवन बनाने का तरीका क्या है, अगर आप प्लस फोर कर दें, ठीक है, प्लस फोर कर दें तो आपको मिल जाएगा सेवन, प्लस फोर कर देंगे सेवन मिल जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द फोर करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई फोर करेंगे, देखिए प्लस फोर की आपको सेवन मिल गया, चार तीन सात, ठीक है, और मल्टीप्लाई फोर का अगर आपका, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई फोर का करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई फोर करेंगे आपको 28 मिल जाएगा, चार सत्ते 28, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट हम देखें, फाइव प्लस फाइव करेंगे, 28 और पाँच कितना हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा, 28 और पाँच कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक है, 28 और पाँच कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई किसका फाइव का करेंगे, 33 मल्टीप्लाई बाय द 100, मल्टीप्लाई बाय द कितना फाइव, 33 और मल्टीप्लाई बाय द फाइव कितना हो जाएगा आपका 165 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा, ठीक है। प्लस सिक्स जोड़ना पड़ेगा, प्लस सिक्स मतलब 165 में सिक्स जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 171 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 171, मतलब सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे 171 सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सेशन अगर पसंद आता है, ठीक है, सेशन अगर पसंद आता है, गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लीजिएगा, दोस्तों तक अपने शेयर करिए, ठीक है, जिससे इस वीडियो को जो नॉलेज है उनको भी मिल सके। सेशन अगर पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू सो मच।